प्रपोज़ल राइटिंग में ग्रामर और वैबलरी का क्या इस्तेमाल हो सकता है प्रपोज़ल लिखना जो है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है उसका एक अपना एक ख़ास अंदाज और फ्लेवर होता है और ज़रूरी है कि उसको दुरुस्त तौर पे किया जाए उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज जो आम हम इस्तेमाल में बोली जाती है कॉन्वर्सेशनल या जो ब्लॉग में होती है उससे थोड़ी सी फॉर्मल होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है जो उसमें वर्ड्स यूजुअली यूज़ होते हैं कुछ उन वर्ड्स को हम देखते हैं और उनके मतबादल अल्फाज भी दिए हुए ताकि आप बार बार सेम uh, लफ्स आपको ना यूज़ करने पड़े जो आगे लिस्ट आ रही हैं उनको आपने जब इस्तेमाल करेंगे वो लफ्ज़ जो हैं वो लूजली इंटरचेंजबल हैं यानी एग्जैक्टली exactly उनका सेम मतलब नहीं है लेकिन तकरीबन सेम ही मतलब है तो इसलिए जब आप उनको इस्तेमाल करें तो उनका जो एग्ज़ैक्ट यूसेज है उसको ज़रा एक दफ़ा चेक कर लें इंटरनेट के ऊपर ही और ताकि ये ना हो okay, कि आप उसको गलत से आप कहना कुछ और चाह रहे हैं और गलत वर्ड यूज़ कर लें सो जस्ट डबल चेक क्योंकि ये मिलते जुलते मानी के अल्फाज हैं बिल्कुल एग्जैक्ट के भी वो अल्फाज नहीं है और इसके अलावा और भी आप सिननम्स ढूंढ सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप इसी लिस्ट पे अपने आप को लिमिट करें इसके अलावा और भी आप ढूंढ सकते हैं और एक ही मतलब के दो अल्फाज एक ही जुमले में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि माई एम्स एंड गोल्स आर टू डू सच एंड सच सिंह आ इधर से एम्स और से गोल्स तो कम अल्फाज में बात करें सक्सेंट यानी कि कंसाइस और प्रिसाइस बात करें उसमें आपकी बात में ज़्यादा वज़न होगा अब ये कुछ वो अल्फाज हैं जो आम तौर पे रिपोर्ट्स में भी और प्रपोज़ल्स के लिखे जाने में भी ये इस्तेमाल होते हैं इसलिए हमने इनके आपको मुतबादल अल्फाज दिए हुए हैं अगर आपने कहना है कि इन्फॉर्मेशन जैसे कलेक्ट करेंगे या कोई डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए गैदर या आइडेंटिफाई करना या जनरेट करना ये वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं इसी तरह अगर आपने सोलूशन प्रपोजल है तो आप उसमें कहेंगे वी विल प्रोवाइड सोलूशनस फॉर दिस 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 तो हो सकता है आपको दोबारा दोबारा वो कहना पड़े उसके लिए मुतबादल अल्फ़ हैं की आंसर रेजोल्यूशन रेमिडी एलिविएशन जैसे एलिविएशन अक्सर पावर्टी के साथ यूज़ होता है पावर्टी एलिविएशन यानी उसको सॉल्व करना कम करना एंटीडोट करेक्टिव मेजर्स ठीक है उसके अलावा प्रोसेस का अगर आपने लफ्ज़ यूज़ करना है तो हर बार बजाय इसके आप कहें कि वी विल फॉलो दिस प्रोसेस फॉलो दिस प्रोसेस तो आप उसके मुतबाद अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं मेजर्स मैथड प्रोसीजर मेकनिज़म स्टेप्स स्कीम और स्ट्रेटी अगेन देअ द मीनिंग्स आर स्लाइटली डिफरेंट लेकिन ये कि आपको थोड़ा सा इनको लुकअप करके और फिर आप इस्तेमाल करें अगर आप ऑलरेडी फेमिलियर इनके साथ नहीं हैं तो स्टार्ट करने के लिए बहुत से वर्ड्स होते हैं और स्टार्ट का लफ्स अक्सर इस्तेमाल भी होता है तो उसके मुतबाद अलफा हो सकते हैं बिगिन कमेंट्स इनिशियट लॉन्च किक ऑफ सैट इन मोशन किक ऑफ़ में ज़रा सा सेंथोजियाजम और जज्बा ज़्यादा है और अगर आप ये मतलब कन्वे करना चाह रहे हैं तो फिर आप आ, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रेस के लिए अगेन ये वर्ड्स हैं अचीवमेंट अकॉम्पलिशमेंट ब्रेक थ्रू डिवेलपमेंट ग्रोथ हेडवे मोमेंटम और ग्रोथ एक्सपर्टीज़ अगर आपका वो है अगर आप प्रपोजल में आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे इदारे में ये सारी एक्सपर्टीज़ है या हमारी ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास बहुत केपेबल है तो द अल्टरनेट वर्ड्स यू कैन यूज़ आर कैपेसिटी कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस नो हाउ एंड प्रोफिशेंसी अच्छा प्रपोजल्स में या किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हुए हम अक्सर कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं या तो आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट में से उठा के और जैसे कि कोई ब्रोशर है या कोई और रिपोर्ट है उसमें से कोई चीज़ उठा के आपने प्रपोजल में डाल दी कि ये इस यही वाली इंफॉमेशन यहाँ पे भी लिखनी है या ये भी हो सकता है कि एक हेडिंग के नीचे भी आपने वही चीज़ पेस्ट कर ली और किसी और हेडिंग के नीचे भी सेम कंटेंट पेस्ट कर लिया तो इससे द थिंग टू बी केयरफुल अबाउट इज कि अगर आपने किसी और डॉक्यूमेंट से उठाया है हो सकता है उसका पर्पस कुछ और हो और इस प्रपोजल का पर्पस कुछ और है तो उसको एक नज़र देख लें हो सकता है उसमें ये लिखा हुआ हो वो दो uh, हज़ार में बनाओ वो रिपोर्ट या वो प्रोशोर और उसमें लिखा हुआ लास्ट ईयर वी डिड दिस और अगर आप अभी भी यही लिख देंगे 2018 में लास्ट ईयर वी डिड दिस तो दैट विल नॉट बी ट्रू तो उस इस तरह की चीज़ों को डेट्स को फैक्ट्स एंड फिगर्स को फिर आप चेक करें अब तो वो थ्री ईयर्स अगो हो गया है या आप उसका साल एग्जैक्ट मैंशन कर दें कि इस साल में हमने ये ये अचीवमेंट की थी या हम इस तरह से स्ट्रांग कैंडिडेट हैं इस काम के लिए सो कॉपी पेस्ट करते हुए हमेशा चेक कर लें कि चीज़ें अप टू डेट हैं जो चीज़ उस वक्त ओरिजिनली जब वो डॉक्यूमेंट बना था उस वक्त सच थी वो अब सच है कि नहीं और अगर मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन आपको दो जगहों पे देनी है तो उसको कोशिश करें थोड़ा सा उसका टेक्स्ट चेंज कर लें एग्जैक्ट सेम ना हो क्योंकि वो पढ़ते हुए इट विल कम अक्रॉस एज वेरी लेजी कि आपने मेहनत नहीं की उसके ऊपर और आपने एक ही चीज़ बार बार पेस्ट कर दी है uh, कुछ कॉमन एरर्स हैं जैसे कि अफेक्ट और इफ़ेक्ट अफेक्ट होता है इसको याद रखने की अच्छी निशानी है अफेक्ट होता है असर करना ठीक है तो करना आप एंड होता है और ये भी आ से स्टार्ट होता है अफेक्ट और इफ़ेक्ट होता है जो असर ख़ुद होता है जैसे अगर आपने कहना है द इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टू मच टी वी ऑन वायलेंस इन चिल्ड्रेन तो वो ई से इफ़ेक्ट होगा और अगर आपने कहना है कैसे असर करता है तो वो होगा हाउ डज़ टी वी अफेक्ट यानी कैसे असर करता है चिल्ड्रन हैबिट्स रिलेटेड टू वायलेंस और पीसफुलनेस एक्सेट्रा तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और अपने लिए निशानियाँ के इसी तरह याद रखा करें तो आपको भी याद रहेगा देन एंड देन टी एच ई एन का मतलब होता है उसके बाद और अगर आप कंपेरिजन कर रहे हैं अगर आप ये कह रहे हैं कि वन प्रोविंस इज़ डूइंग बेटर दैन अदर इन एजुकेशन तो फिर आप ए टी एच ए एन इस्तेमाल करेंगे अगेन दीज आर लिटिल थिंग्स लेकिन ये कि आपके ओवरऑल जो इम्प्रेशन बन रहा है जो आप कोई डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं या कुछ तो वो इससे अच्छा या बुरा हो सकता है इट्स एन इट्स इट्स अ वेरी कॉमन एयर अच्छे अच्छे लिखने वाले जो हैं दे गेट इट रॉन्ग इट्स जो पॉजिटिफी के साथ है वो सिर्फ उस वक्त यूज होता है जब आप इट एज की जगह लिख रहे हैं यानी आपने अगर कहना है इट्स अ सनी डे तो इट्स जो है वो इट एज की जगह है इट एज अ सनी डे की जगह आप कह रहे हैं तो फिर उस वक्त पॉजिटिफी आएगा और अगर आप ऑनरशिप शो कर रहे हैं तो पॉजिटिफी नहीं आएगा तो यहाँ पर जरा सा उल्टा मामला है कि पॉजिटिफी ओनरशिप शो करने के लिए नहीं लेकिन जहाँ पे एक अल्फ़ाबेट हमने आए हटाया वहाँ पे आता है सो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस अच्छा उसके अलावा ये कि देर एंड देर दे आर की जगह देर होता है लेकिन ये कि दिस इज़ द एब्रिविएटेड फॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन इज़ टू इनफॉर्मल तो प्रपोजल में या किसी ऐसे सीरियस डॉक्यूमेंट में तो आप इसको यूज़ करेंगे भी नहीं अच्छा पंक्चुएशन को करेक्टली इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है रन ऑन सेंटेंसेस और कॉमे डाल के एक ही सेंटेंस चलता जा रहा हो दैट गिव्स अ वेरी अनप्रोफेशनल इंप्रेशन और वो पढ़ने में बिल्कुल ही वो कॉन्वर्सेशनल सी कोई चीज़ लगती है लेट्स हैव अ लुक इट रेंड हेवली कॉमा द मानसून वर स्ट्रॉग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान इसको एक्चुअली होना चाहिए वैन इट रेंड हैविली द पैस्चर्स फ्लर्श्ड या वैन इट रेंड हैविली द मानसून वर स्ट्रॉन्ग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान ठीक है जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है द मानसून ब्रॉट हैवी रेंस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान तो इसमें इसको दो उसके जो हिस्से हैं उसको इकट्ठा करके और डिफरेंटली वर्ड किए ताकि वो एक होल लगे और बीच में कॉमा के साथ वो दो अलग अलग जो हैं वो कर हैंग करती हुई चीज़ें ना लगें वी प्लान टू सेट अप कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर्स दीज विल बी रन अब यहाँ पे या तो फुल स्टॉप होना चाहिए था या सेमी कॉलन होना चाहिए था लेकिन इधर यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है सो दैट्स नॉट अ गुड यूज़ ऑफ पंक्चुएशन दीज विल भी रन बाई ट्रेन विमेन फ्राम द नेबरुड वांस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आर सेटअप विमेन फ्राम द नेबरुड विल भी ट्रेन टू रन दैम अब इसमें देखिए इसमें जो कॉमा है वो नेचुरली फॉल कर रहा है और इसको आप अलग अलग जुमलों में ब्रेक नहीं कर सकते सो दैट्स अ बेटर फ्लो वांस वेन इस तरह अगर आप करके स्टार्ट करें अच्छा ये कुछ लैंग्वेज बोलने वाले जो होते हैं जैसे जो उर्दू बोलने वाले हैं वो कोई मिस्टेक्स हैं जो उनकी कॉमन है जो वो करेंगे तो उसमें से ये एक बहुत पॉपुलर मिस्टेक है कि जो कंटिन्यूस टेंस है उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं मसलन वी विल बी मॉनिटरिंग द रिज़ल्ट उसके बजाय बेहतर जुमला जो है वो ये है वी विल मॉनिटर द रिज़ल्ट आर एक्सपर्ट्स वर वर्किंग फॉर फाइव ईयरस वर वर्किंग के बजाय बेहतर ये कि आपके आर एक्सपर्ट्स हैव वर्कड फॉर फाइव ईयर्स इसी तरह द टीम्स विल बी विजिटिंग द फील्ड वर्कर्स फॉर रेगुलर रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स उससे बेहतर और फॉर्मल ये है द टीम्स विल विज़िट द वर्कर्स फॉर रेगुलर रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स ये अगेन ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन स्टाइल में चल जाता है कि आई विल बी गोइंग द एर तो उसमें तो चल जाता है लेकिन करेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल यही है आई विल गो दैर टू तो ये कुछ कॉमन एरर्स, कुछ जो चीज़ें हम जब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स को उसमें जो हमारे लिए स्टैंड आउट करती हैं वो ये हैं वर्ब को गलत जगह हम रखते हैं क्योंकि हो सकता है हमारी अपनी जबान में वर्ब्स डिफरेंटली आते हैं और इंग्लिश में डिफरेंटली आते हैं मिलियज एंड ट्रिलियंस वी स्पेंड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इसका बेहतर तरीका ये है वी स्पेंड ट्रिलियंस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स या मिलियज या जो भी कुछ कहना है लेकिन वर्ब को शुरू में लगाएं सिमिलरली वैन द ये क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका है विच सी रीड्स लाइक अ सेंटेंस एंड नॉट लाइक अ क्वेश्चन वैन द शिपमेंट विल अराइव इसके बजाय होना चाहिए वैन विल द शिपमेंट राइव सो वर्क प्लेसमेंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है और उसको वी हैव टू गेट इट राइट जेंडर्ड लैंग्वेज प्रपोजल्स जब लिखते हैं तो उसमें आपको यू हैव टू वी पोलिटिकली करेक्ट अब बहुत सी चीज़ों में जैसे एक्ट्रेस को भी एक्टरी कहा जाता है चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन कहा जाता है तो ये एक लिस्ट है आपके लिए कि ये आप इसकी एहतियात करें जब आप कोई प्रपोजल बनाएं तो क्योंकि उसमें भी पोलिटिकली uh, करेक्ट होना उसमें ऐस ए सीरियस डॉक्यूमेंट में बहुत जरूरी होता है